हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीट कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 105 का सेकेंड प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। एंड इसके पहले मैंने थर्ड प्रॉब्लम का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप अगर आपको देखना उस वीडियो में कोई डाउट रह गया है इस क्वेश्चन को लेकर, तो जाओ वहाँ पे डिस्कस कर लो, देख लो, कमेंट में पूछ लो अगर रह जाता फिर भी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सेकेंड वाला जो है वो नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस होते हैं लिट कोड के बाय वीकली या वीकली कॉन्टेस्ट के सेकंड, उससे थोड़ा सा टफ है। इसका प्रमाण यहाँ पे देख सकते हैं, यूजर एक्सेप्टेड और यूजर ट्राइड के बीच में सीधा 50% ड्रॉप है, इसका डबल ही है सिंपल। तो कहीं ना कहीं इजली जो होता है उससे ये थोड़ा सा आपको टफ फील हुआ होगा, बट यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये आपको पता है, आपको पता है ये डीपी अप्रोच जाने वाला, बट उस डीपी अप्रोच तक पहुंचने के लिए ना आपको ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच के थ्रू जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर आप डीपी पे पर चले गए लेकर जंप कर गए तो आपको फिर मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको ले जाऊंगा उसी उसी पाथ पे ले जाऊंगा सीधा। उससे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है, तो कंस्ट्रेंट आपका 50-50 ही है, 50 से ज़्यादा किसी भी नहीं। थर्ड प्रॉब्लम अगर आप देखो तो वहाँ भी कंस्ट्रेंट बहुत छोटे थे और उसमें हमने फुल्ली ब्रूट फोर्स अप्रोच किया था, सारे सबसेट को जनरेट किया और उसके बाद हम लोगों ने मीन्स फाइंड आउट किया अपना जो रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग है जो कि एक आपको दिया हुआ है और एक डिक्शनरी दिया हुआ वर्ड का, एक वर्ड का डिक्शनरी है। ठीक है, तो लिट कोड लिट्स कोड लिट्स कोड आपका एक स्ट्रिंग दिया और उसके पास एक डिक्शनरी भी थी, वो भी आपको दे दिया। अब आपको क्या करना है, इस एस को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, ब्रेक डाउन करना है नन ओवरलैपिंग सब स्ट्रिंग, डिक्शनरी के नन ओवरलैपिंग सब स्ट्रिंग के रूप में, ताकि ठीक है इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना है कि इसके कुछ कैरेक्टर जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिट और कोड, इसको मैं लिट एस और कोड तीन में बांटूंगा तो लिट तो मिल जाएगा, कोड भी मिल जाएगा, लेकिन एस नहीं मिलेगा। अब बोलोगे हम लिट्स कोड डायरेक्ट क्यों नहीं ब्रेक डाउन करेंगे, तो लिट्स कोड कहीं भी इसमें है नहीं, लीट कोड है। तो ये जो एक सब स्ट्रिंग होगा वो इसका इक्वल, ये इस स्ट्रिंग से मैच नहीं कर रहा, तो आपको इस तरीके से सब स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन करना है ताकि ये मैच करे डायरेक्टली इससे। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, इसी चीज़ को थोड़ा सा समझना है, लिट्स कोड इस को ध्यान देना, और हमारे पास डिक्शनरी में लिट है, कोड है और लिट कोड है, राइट। तो अगर मैं इसको ली ई टी एस कोड इस तरीके से, मान लो एक रैंडम सा मैंने जनरेशन ऐसे ही रखा आपको बस समझाने के लिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ई जो एल ई है, ई एल ई वाला सबस्ट्रिंग यहाँ पे मैच करना चाहिए, जो भी सबस्ट्रिंग हो ये यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, सिंपल, और कुछ नहीं कहना चाह रहा मैं। तो अगर मैं इसको लिट्स कोड को लिट एस कोड में ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या होगा, लिट वाला मिलेगा, कोड वाला मिल जाएगा, यहाँ पे लिट और कोड, एस नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा हो गया। अगर मैं इसको लिट्स कोड कर देता हूँ, लिट्स कोड, तो मिल ही नहीं रहा डायरेक्ट। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, यू हैव टू ब्रेक एस इनटू वन और मोर नन ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग वाला हमने समझा, नन ओवरलैपिंग क्या, तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते, लिट और ई टी एस उसके बाद कोड, अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि लिट से यहाँ तक कवर हो गया, ठीक है, और उसके बाद ई टी एस हम दे रहे हैं जो कि फिर से यहाँ पे कवर कर रहा, तो ये ई टी जो है ये ओवरलैप कर गया, ओवरलैप, जो कि आपको करना नहीं है। तो अगर ओवरलैप हो रहा है तो आपको उस तरीके से अरेंजमेंट को ध्यान ही नहीं देना, ठीक है, नन ओवरलैपिंग पे ही आपको सिर्फ फोकस करना, राइट। तो ये क्वेश्चन का आपका जो फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट था इसको ब्रेक डाउन हमने कर लिया, ये समझ लिया। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो भी आपको बचेंगे ना, बस उसको आपको काउंट करके मुझे बताना और कुछ नहीं करना। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कि ठीक है एस डॉट लेंथ 50 है तो आप इजिली इसको ब्रूट फोर्स कर सकते हो, तो नहीं, आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखो जो आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आपको सजेस्ट कर रहा है ना माइंड में, वही सॉल्यूशन बेसिकली जाने वाला। देखो लिट एस कोड, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास डिक्शनरी में जितने सारे वर्ड हैं मैं सबको उठाऊँगा, मैंने सबको पिक किया,
ठीक है, मैंने स्टार्टिंग किया इससे, चलो भाई तुम आ जाओ, तो ये आया। अभी मैं इटरेट कर रहा हूँ, अब मैंने इटरेट करना शुरू किया तो मैं भी इटरेट कर रहा हूँ जीरो पे। मैंने जीरो पे पहुँचा, मैंने कहा कि सबको बारी बारी आना है, तो ये सब क्यू में खड़े हैं। पहला आया लिट कोड, लिट मैं मैच कर रहा हूँ यहाँ तक, अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक के जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर होंगे उसका भी एक मुझे काउंट रखना होगा, ठीक है। लेट सपोज एक्स्ट्रा काउंट जो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तभी तो जीरो, इनिशियली जीरो थे, आई पे मैं आया तो आई के पहले तक तो जीरो थे, ठीक है। तो जितने रहे, क्योंकि एग्जैक्टली लिट और यहाँ से लिट मैच कर गया, तो यहाँ तक का जो एक्स्ट्रा काउंट होगा वो भी इसके पहले जो था वही होगा। तो अब देखो बेसिकली अगर मैं स्टोर करने लगूँ हर एक का लिट जो ये काउंट है एक्स्ट्रा काउंट वाला, तो यहाँ पे जो डीपी ऑफ आई होगा वो बेसिकली अगर आप इससे मैच कर रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैच हो गया, तो दो चीज़ें होगी। या तो अगर हमने इसको चूज किया, इस सब स्ट्रिंग को हम चूज करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डी पी ऑफ आई, ये आई है ना, चलो इसको ही आई रखते हैं सिंपल, वरना कन्फ्यूजन होगा। ये आई है, तो आई प्लस इसका लेंथ मान लो, ये टी स्ट्रिंग है, तो टी डॉट साइज, वेरिएबल ज़्यादा मैं नहीं रखना चाह रहा, प्लस टी डॉट साइज कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, तो ये प्लस टी डॉट साइज होगा अगर हमने इस सब स्ट्रिंग को चूज किया होगा तब। अदरवाइज अगर इस सब स्ट्रिंग को नहीं चूज किया होगा तो एज इट इज डी पी ऑफ आई ही होगा, समझ रहे हो। इस सब स्ट्रिंग को ना चूज करके कोई बड़ा सब स्ट्रिंग चूज किया होगा इससे बड़े वाले, अगर मान लो ऐसा कुछ रखते हैं, तो क्या होगा, यही वाला सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वही किया, इस सब स्ट्रिंग को उठाया, चेक किया, मैच कर रहा है तो दोनों कंडीशन के हिसाब से वैल्यू अपडेट होगी, नहीं मैच कर रहा हमें देखना ही नहीं है, ठीक। फिर हमने अभी इसी पॉइंट पे खड़े हैं, अभी हम इसी पॉइंट पे खड़े हैं। अब दूसरे सब स्ट्रिंग की बारी, कोड आया नहीं मैच किया छोड़ दिया, लिट कोड आया मैच किया नहीं किया, ये लिट्स कोड है, ये लिट कोड है, स्ट्रिंग मैच नहीं किया तो छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे और यही सेम प्रोसेस जो है आपका चेक करते हुए जाएंगे, चेक करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा जब हम एक एक पार्ट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, ये आई है और आई आपका आई प्लस वन है, तो आपका क्या होगा। जैसे देखो इस पॉइंट पे जो थे हम, तो हमने एक्स्ट्रा काउंट की जो वैल्यू इस तरीके से अपडेट की कि ये वाला स्ट्रिंग मैच कर रहा है, तो दो कंडीशन, अगर मैच कर रहा होगा तो हम उस स्ट्रिंग को एज ए सब स्ट्रिंग के रूप में देखेंगे, ठीक है, उस पार्ट को देखेंगे ऐड करने वाले हैं अपने पार्ट में, नहीं तो ये दूसरा केस ये होगा कि हम उसको चूज नहीं करने वाले, ठीक है। तो फाइनल इससे अच्छा होता है मैं कोड आपको ले जाता हूँ, इस लॉजिक को यहाँ तक आप समझो, उसके बाद हम लोग कोड पे आते हैं। जरा कोड में देखो, हमने सिंपल एन इनपुट रखा, वेक्टर अपने डीपी बना दिए, इनिशियली आपका चलो बेस केस रखा, हर एक पोजीशन पे मैं पूरे डिक्शनरी को इटरेट कर रहा हूँ, जो हमारा काम था, पूरे डिक्शनरी को हमने इटरेट किया और बारी बारी सबको बुलाया, बारी बारी सब आए। अगर ये स्ट्रिंग जो डिक्शनरी का है, स्ट्रिंग टी अगर इक्वल हो गया, तो मैंने क्या बोला कि स्ट्रिंग से, ठीक है, एस से मुझे ना एक सब स्ट्रिंग निकालो इसके लेंथ का। अब आपको नहीं करना है डायरेक्ट ये सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज करना नहीं है, तो आप फॉर लूप लगा दो, तो यहाँ से इस लेंथ तक फॉर लूप लगाओ और इसका एक फॉर लूप, ये चलेगा, और दोनों के चेक करो कि दोनों का हर एक रेस्पेक्टिव कैरेक्टर इक्वल है कि नहीं, एक बुलियन वैल्यू रख लो, अगर वो फॉल्स हो गया मीन्स इक्वल नहीं था, इक्वल नहीं था आपको कुछ नहीं करना, अगर सारा इक्वल है तो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अपडेट क्या हो रहा, आईएथ पोजीशन से हमने टी प्लस टी डॉट साइज पोजीशन तक चले गए, तब वहां तक जाने के बाद एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो होंगे वो उस पोजीशन पे अपडेट होगा, आईएथ पोजीशन पे अपडेट नहीं हो रहा। इस पोजीशन पे हमने एक मार्क लगा दिया कि अगर इस पोजीशन पे आए और इस स्ट्रिंग को रखा, इस सब स्ट्रिंग को रखा, तो ये वाली चीज है, हमारे पास ऑप्शन है रखने या नहीं रखने की, तो अगर रखा तो ठीक है, नहीं रखा तो इसे, तो उसी के हिसाब से, उसके हिसाब से हमने मिनिमम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। तो ये वैल्यू आई प्लस टी डॉट साइज पे अपडेट हो रहा। अब हमें आई पे अपडेट करना है, तो सबको सबको चेक करने के बाद आई पे मुझे बस चेक करना है कि ठीक है ये आई है और ये आई प्लस वन है। यहाँ पे जैसे हम आए तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि ठीक है, अभी करेंट पे जो हम सारे ट्रेड कर दिए और पिछले वाला जो पॉइंट था, उन दोनों में जो मिनिमम होगा, ठीक है, उन दोनों में जो मिनिमम होगा वो रखना। अब बोलोगे क्यों ऐसा आप कर रहे हो, जैसा देखो आप लिट और एस फिर कोड पे आए, लिट तक जीरो था, यहाँ पे आए तो
तो इसके लिए कुछ नहीं होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका जो अंदर फॉर लूप के अंदर चल रहा है ये वाला, ये पॉइंट इसको बता दिया होगा कि ये वैल्यू वन होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम अगर लेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पे अगर हमने सबस्ट्रिंग यहाँ तक लिया होगा या तो सबस्ट्रिंग हम इस तरीके से लिए होंगे, तो हम दोनों पॉइंट में देखें कि ये कहीं ना कहीं कॉमन हुआ होगा किसी न किसी सबस्ट्रिंग में, ठीक है, ये कैरेक्टर आया होगा किसी सबस्ट्रिंग में, तो उस केस में ये वैल्यू जीरो ही रही होगी, ठीक है। तो उसी वजह से हम यहाँ पे मिनिमम ले रहे हैं, तो मिनिमम में डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वन है और इसका क्या होगा, इस केस में भी आपका वन ही रह जाएगा, तो फिर आप मिनिमम लेंगे वन ही रह जाएगा, वन ही रह जाएगा, वन वन वन, और इस तरीके से आगे चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका फाइनल वैल्यू जो है वो अपडेट कर रहा है फॉर ईच एंड एवरी पोजिशन, और ये वाली वैल्यू अपडेट कर रही है आपको उस पार्टिकुलर मार्क तक का, कि हम सबस्ट्रिंग को चूज करेंगे तो यहाँ तक हम सेफली पहुँच सकते हैं बस, ठीक है। आई होप कि इसमें आपको डाउट नहीं रहा होगा, क्वेश्चन बढ़िया था, डीपी अप्रोच आपको सेकेंड क्वेश्चन में आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो बट आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही पे रखते हैं, एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, एंड साथ ही साथ आपको नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली डिफरेंट लिंक मिल जाएंगे रिलेटेड टू ब्लॉग डिस्कॉर्ड सर्वर, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना डिस्कॉर्ड को, एंड ब्लॉग्स वाला जो है एक्सप्लोर करना, वहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।